सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिवलला सिने अभिनेते शेखर सुमन, अर्चना पुरनसिंग, परमित शेट्टी, अलीफ फजल यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी सारंगखेडा येथील घोडेबाजारांची पाहणी केली. या सिने अभिनेत्यांना पाहण्यासाठी चाहत्यांची प्रचंड गर्दी उसळली होती. चेतक फेस्टिवलमध्ये सुरू असलेल्या नौका विहाराचा मनमुराद आनंद देखील या सिने अभिनेत्यांनी लुटला. यावेळी त्यांच्यासमवेत पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, जयपाल सिंग रावल, जिल्हाधिकारी डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते. सारंगखेडा येथील दत्तप्रभूची यात्रा आणि येथे भरणारा चेतक फेस्टिवल हे पाहून आपण भारावलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया या सिने अभिनेत्यांनी बोलताना दिली. तरफ तोहमते लगाते रहते हैं, दोनों में ये बात नहीं, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, चाहे वो काले हों, चाहे वो श्याम वर्ण के हों, वो श्वेत हों, तो वो सारे बड़े खूबसूरत लगते हैं. और इसका सारा श्रेय जो है ये तो बरसों से होता आ रहा है. अभी जैसा बताया गया कि 300 वर्ष पुरानी ये परंपरा है, लेकिन जयकुमार जी के सौजन्य से, इनके हवाले से हमें ये पता चला कि इतना ये खूबसूरत जो है ये उत्सव मनाया जाता है, चेतक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है. और जो इन्होंने इस क्षेत्र का, अपने कंस्टिट्यूएंसी का जो विकास किया है, और इस जगह के जहाँ इनकी पैदाइश है और रिहाइश है, वहाँ ये अद्भुत सौंदर्य देख के बड़ी खुशी हुई. इतने सारे घोड़े देखे कि घोड़ों से बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत जानवर कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए उनको देखने ज़रूर आए हैं. शाही सवारी मतलब राजा राजकुमार वगैरह, और राजकुमारियाँ भी कहती थी कि मेरा राजकुमार आए तो घोड़े पर ही चल के आए. तो अब दुर्भाग्यवश घोड़ों की जगह जो है गाड़ियों ने ले ली है, लेकिन गाड़ियाँ भी बगैर हॉर्स पावर के नहीं चलती, और मोटरसाइकिल भी हॉर्स पावर के नहीं चलते. घोड़ों की हर जगह ज़रूरत होती है, तो घोड़ों को देखना ज़रूर. मैंने मुंबई शहर में तो सुना था, मतलब सारंगखेड़ा के बारे में, और ये जो फेस्टिवल है चेतक फेस्टिवल उसके बारे में ऑलरेडी सुन चुकी थी मैं, लेकिन यकीन नहीं था कि इतना खूबसूरत, इनकी जगह इतनी खूबसूरत है. और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कर रही है इस क्षेत्र को ऊपर उठाने में, और जो फैसिलिटीज और जो सुविधाएँ यहाँ पर देखी है मैंने, तो ये भी यकीन नहीं होता है कि अभी तक बॉलीवुड के जो बड़ी हस्तियां हैं और हम शूटिंग जब करते हैं तो ऐसे इस क्षेत्र में क्यों नहीं हो रही है शूटिंग. तो मेरी बात हुई थी रावल साहब से, बोल रहे थे कि अब और भी सुविधाएं होंगी ताकि हमारी इंडस्ट्री इस इलाके के साथ और भी आकर्षित हो और जुड़ सके. आर्मी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने उसी के वीडियोज़ बना रहा था, मैं तो बैठ के चुप्पे चुप्पे स्लो मोशन में, फास्ट में, सब में सारा फिल्म बनाया. आई एम रियली एक्साइटेड. जैसे इधर लिखा हुआ है सेलिब्रेटिंग नोबल हॉर्सेज, आई थिंक फोकस उस पर है. एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी थी वहाँ, एमिनेंट पेंटर्स हैं और कुछ नए पेंटर्स ने अपना एग्जीबिट किया है. काम वो बहुत अच्छा है, प्लीज़ देखिए. आई थिंक यू कैन बाय देम ऑल्सो. सब्जेक्ट हॉर्सेज का था, ये बहुत ज़रूरी है. ये जो कलाएँ हैं वो और आगे फैलनी चाहिए. हमारा यूथ इसको जितना जानेगा उतना अच्छा है. मुझे पता नहीं क्या टूरिस्ट स्पॉट कैसा है ये जगह, बट फॉर हॉर्सेज आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग. कॉमिकल सीन था मेरे लिए, बहुत डरावना सीन था, क्योंकि वो मेरा जो घोड़ा था वो जंगली घोड़ा था. गाँव वालों ने मुझे एक्चुअली बताया नहीं था कि वो जंगली घोड़ा है, ट्रेन घोड़ा नहीं है. तो मुझे उन्होंने बोला चढ़ जाओगे, मैं ना चढ़ जाऊँगा. वो घोड़ा एक बार जब उसने भागना शुरू किया तो एक खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत, चौथे खेत, मतलब वो रुका नहीं. अल्टीमेटली मैं घोड़े के गर्दन पे था, ऐसे उसको अपना देख ऊपर देख रहा था. और जितनी मेरी उस दिन मेरी इज्जत की जो इज्जत का फालूदा हुआ है ना, कभी नहीं हुआ. तो वो मेरा पहला शॉट था डीडी अजय का, तो मुझे जिंदगी भर वो छप चुका है मेरे दिमाग. घोड़े को देखता तो मुझे वो पहले याद है.